और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां ईडी की टीम सुबह 7 बजे ही पहुंच गई शिवसेना के नेता संजय राउत के घर, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अब वहां पर ईडी की टीम की कार्रवाई शुरू हो गई है। घर की तलाशी ली जा रही है ईडी की टीम की ओर से, और अपने घर पर ही मौजूद हैं संजय राउत। इस वक्त उनके घर पहुंची हुई है ईडी की टीम। पत्रा चौल घोटाले मामले में पूछताछ करने के लिए यहां पहुंची है ईडी की टीम। ईडी की टीम की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें समन भेजे गए उसके बावजूद भी ईडी की टीम के सामने हाजिर नहीं हुए, उनके वकील आते रहे हर बार। और ऐसे में अब आज सुबह ईडी की टीम सुबह 7 बजे ही संजय राउत के घर पहुंच गई। मुंबई में अपने घर पर ही मौजूद संजय राउत, और घर के ग्राउंड फ्लोर पर इंतजार करने के बाद अब घर के फर्स्ट फ्लोर पर जहां संजय राउत रहते हैं वहां पहुंच चुकी है ईडी की टीम और कार्रवाई की जा रही है, घर की तलाशी ली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुरुआत से ही संजय राउत इस पूरे मामले में ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र की जांच एजेंसियां एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही है उनके खिलाफ और शिवसेना के खिलाफ। और अब ये बता रहे हैं जानकार कि इस कार्रवाई को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां संजय राउत के बाहर आप देख सकते हैं ये गहमा गहमी इसलिए है क्योंकि सुबह 7 बजे ही ईडी की टीम यहां पहुंच गई। और हमारे साथ फोनलाइन पर कांग्रेस नेता अतुल जी जुड़ गए हैं। अतुल जी, ईडी की टीम सुबह 7 बजे ही आज पहुंच गई है संजय राउत के घर, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? नहीं, ठीक है, वो अभी पॉलिटिकल लोगों को तकलीफ देने के लिए ही उसकी निर्माण हुआ है, इस तरह से ईडी का इमेज जो है वो पब्लिक में जा चुका है। अभी संजय राउत जी के यहाँ देर सवेर वो आने वाले थे, उन्हें खुद को भी इस बात का अंदेशा था, क्योंकि तकलीफ देना पॉलिटिकली अगर लोग आपके साथ में है तो फिर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके या तो आपको खत्म करना या फिर अपने पार्टी में शामिल करवा लेना। संजय राउत एक ऐसे नेता है शिवसेना के जो उनके साथ शामिल नहीं हुए, जो शामिल हुए उनके ऊपर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं, जो ईडी की कार्रवाई थी वो खत्म कर दी गई, और जो शामिल नहीं हुए उनके ऊपर ईडी का प्रेशर डाल के शामिल करवाने की कोशिश है, अगर नहीं होते तो गिरफ्तार हो जाओ। दो ही चीज है, तो शायद संजय राउत जी ने शायद संघर्ष का मार्ग अपनाया होगा। जी, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया जी भी जुड़ गए हैं। किरीट जी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र की जांच एजेंसियों को बीजेपी पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, एक बार फिर ये आरोप लग रहे हैं ईडी की टीम की जो कार्रवाई हो रही है उसको देखते हुए? हास्यास्पद है, संजय राउत की 1 साल से प्रॉपर्टी जब्त हो गए, अलीबाग की जमीन का पैसा, प्रवीण राउत पीएमसी बैंक के घोटाले का पैसा आया है, दादर में फ्लैट खरीदे संजय राउत की, चोरेन की टूट, परिवार की चोरेन की टूट, टिकट से लेके होटल बिल से लेके कार सबके पैसे भ्रष्टाचार के पैसे आए, और संजय राउत हिसाब नहीं दे रहा है। दूसरी ओर माफियागिरी चल रही थी, जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी सामान्य लोगों को धमकियां दे रहे थे, सपना पाटकर ने शिकायत की तो उसके ऊपर बलात्कार करने की धमकी, आखिर संजय राउत को भी हिसाब देना पड़ेगा। जी किरीट जी, हमारे साथ कांग्रेस के नेता अतुल लौंडे जी भी जुड़े हुए हैं और वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं, उनका फोन कट गया अतुल जी का, लेकिन ये आरोप लगा रहे थे कि जो जुड़े हुए हैं, माफी चाहूंगी, किरीट सोमैया जी का फोन कट गया है। अतुल जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, सुना होगा आपने किरीट सोमैया को कि पूरे ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, डॉक्यूमेंटेड है हर एक चीज, उसके बावजूद भी ये आरोप लगाना तो हास्यास्पद है। किरीट सोमैया हमारे यहाँ की विचक्राफ्ट है बहुत बड़ी, पूरे महाराष्ट्र जानता है उनको। अभी मुझे बताइए, प्रताप सरनाइक पर जो रेड हुई थी इनके कहने पे हुई थी, अभी प्रताप सरनाइक को क्लीन चिट कैसे मिली? अभी मुझे ये उनसे सवाल पूछना है कि नारायण राणे पर उन्होंने इसी तरह के गंभीर आरोप किए थे, आरओसी से डॉक्यूमेंट निकालते हैं और ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दिखा कर झूठ बोलते हैं, फिर नारायण राणे जी जैसे ही शामिल हो गए वैसे केंद्रीय मंत्री बन गए, अब किरीट सोमैया क्यों चुप है? ये सबसे बड़ी बात है। तो किरीट सोमैया चुप होने की वजह क्या है, और किरीट सोमैया को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, थोड़ी बहुत इधर उधर की एंट्रीज जानते हैं, तो वो पकड़ कर आरोप करना, फिर इनकम उनको फिर पार्टी में लेना और नहीं आए तो अरेस्ट कराना, तो वो भी वो गिरोह का हिस्सा है किरीट सोमैया जी, और ज्यादा क्या है, वो भाग गए, नहीं तो मेरे सामने मुझे फेस नहीं कर सकते, वो भाग गए वो जी। लेकिन यहाँ पर अतुल जी ये भी तो सवाल उठते रहे हैं ना कि जब ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं तो उसके बाद अगर आप ईमानदार हैं
कोई भी अगर ईमानदार है तो फिर वो जांच से डरता क्यों है, सामना क्यों नहीं करता है? ये आरोप तो बीजेपी नेता राम कदम जी ने भी लगाए थे। पहले आपसे सवाल का जवाब लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले जो किरीट सोमैया ने कहा है वो सुन लेते हैं। पीएसएल बिल्डर का घोटाला हो, माफिया गिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। और हमारे साथ कृष्णा ठाकुर हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं जो वहां संजय राउत के घर के बाहर से जुड़ रहे हुए हैं। संजय माफ कीजिएगा कृष्णा, ये बताएं कि इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं हम? देखिए सुबह 7 बजे के करीब संजय राउत के घर पे ईडी की टीम पहुंची थी और तस्वीरें हम आपको सीधे संजय राउत के घर के पास से बता रहे हैं। देखिए कि ईडी के अधिकारी आपको जो है वो ड्रेस में दिखाई दे रहे होंगे। जानकारी ऐसी मिल रही है कि संजय राउत जो है इस वक्त भी अपने घर पे ही मौजूद हैं। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो पत्राचौल से जुड़ा हुआ है, गोरेगांव में ये पत्राचौल है। और आपको बताऊँ कि ईडी जो है लगातार बीते कई महीनों से संजय राउत से पूछताछ कर रही है, लेकिन जाँच में पूरी प्रॉपर तरीके से सहयोग ना देने की वजह से ईडी आज जो है आज यहां पे पहुंची है। और जानकारी जो मिल रही है इस वक्त जो है संजय राउत अपने घर पे ही मौजूद है और ईडी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है उनके जो जिम ट्रेनर है वो मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची थी और कितने बजे पहुंची थी। आप बताइए कि ईडी की टीम यहाँ पे कितने बजे पहुंची थी और क्या कुछ आपने देखा? यहाँ पे 7:15 बजे ईडी की टीम पहुँच गई थी। जब भी मैं आया तब उसके बाद वो लोग आए और मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया। अंदर जाके फिर मुझे बाहर निकाला गया और मुझे बोले कि आज कुछ काम नहीं होगा, आप यहाँ से निकल जाओ करके। तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन हो, मुझे साहब से मिलना है, मेरा काम रहता। तो वो नहीं बोले, आप अंदर जा ही नहीं सकते, इसके आप बाहर जाओ। तो गेट के बाहर मुझे उन्होंने निकाल दिया। क्या संजय राउत अभी भी घर के अंदर ही है? हाँ साहब, घर के अंदर ही है। और उनको ऊपर पता चल रहा है कि अभी कल भी अर्जुन खोदकर के ऊपर कितना दबाव था, वो रो रहे थे कि ईडी कितना परेशान कर रही है, फैमिली को परेशान कर रही है, एक मराठी आदमी को कितना परेशान किया जा रहा है इसके ऊपर पता चल रहा है कि तुम कैसे भी करके टूट जाओ, लेकिन साहब कभी टूटने वाले है नहीं, यहाँ इस पर ये पता चल रहा है। अपना नाम बताइएगा। देवेंद्र नार्वेकर। तो ये देवेंद्र नार्वेकर थे, संजय राउत के पर्सनल जिम ट्रेनर हैं और इन्हें आपने साफ तौर पे सुना, ये कह रहे हैं कि करीबन 7:15 का समय था जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है और ये जब सुबह सुबह आए हैं तो इनको भी जो है अधिकारियों ने अंदर नहीं जाने दिया और लगातार जो है संजय राउत से पूछताछ जो है वो चल रही है। पत्राचौल से जुड़ा हुआ मामला है, कथित तौर पर 1000 से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उसी मामले में ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। लगातार समन पे समन दिए जाने के बाद भी संजय राउत जो है वो ईडी के सामने अपीयर नहीं हो रहे थे। उन्होंने पहले इससे पहले जब समन दिया गया था तो 15 दिन का समय मांगा था, उसके बाद कई कारणों की वजह से वो यहां ईडी के सामने हाजिर होने में जो है असमर्थता जताते रहे, उसके बाद ईडी ने जो है ये स्टेप लिया है। और आप देखिए कि आज सुबह सुबह करीबन 7:15 का समय था जब ईडी का जो अधिकारी है वो यहां पर पहुंचा है। कृष्णा जरा ये बताएं कि ईडी की टीम में कितने मेंबर्स यहां पहुंचे हैं और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्या पूछ सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या तलाशी ली जा रही है, कागजात खंगाले जा रहे हैं? देखिए जो अभी प्राथमिक तौर पे जो जानकारी मिल रही है वो यही कि ईडी के करीबन 6 से 7 जो है अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। 7:15 का समय था जब अधिकारी यहाँ पे पहुंचा और अंदर जो जानकारी मिल रही है ये कि संजय राउत भी अभी जो है अंदर मौजूद हैं। वो इससे पहले दिल्ली में थे लेकिन देर रात अभी जानकारी मिल रही है कि संजय राउत आए हुए हैं और जो ईडी के सवालों का जो है वो जवाब दे रहे हैं। कुछ कागजात जो है वो ईडी के हम जब पहुँचे थे यहाँ पर तो जो ऑफिसर्स थे वो अंदर लेके जा रहे थे। तो ये स्पष्ट है, इतना तो स्पष्ट है कि संजय राउत इस वक्त अंदर है, पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी जो है करीबन 1.5 घंटे का समय जो है वो बीता है और संभवतः जिस माफ कीजिएगा एक फिर से आप रिपीट कीजिए सवाल। कृष्णा क्या वकील पहुंचे संजय राउत के?
जी अभी तो नहीं, अभी जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ उसमें यह है कि वकील अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हालांकि कांटेक्ट जरूर किया होगा, लेकिन इस वक्त जो है वकील नहीं पहुँचा हुआ है। उनका ज़रूर लीगल टीम से बात करने की कोशिश की जा रही होगी। लीगल टीम कब किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच सकता है, लेकिन इस वक्त जो है वकील पहुँचा नहीं है। और लगातार देखिए कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो घेराबंदी किए हुए हैं, किसी को भी अंदर नहीं जाने की अनुमति दी गई है। और बहुत ही जो है गंभीरता से ईडी के अधिकारी इस वक्त पूछताछ में लगे हुए हैं। जी कृष्णा, बने रहिए हमारे साथ। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि एबीपी न्यूज का शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के पीछे राजनीति है, वो गिरफ्तारी से नहीं डरने वाले हैं। बुरा वक्त तो जो मेरे जिंदगी में आप बता रहे हैं, मैं उसके लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। ये भी राजनीति है, कोई राजनीतिक फायदे तोटे के लिए हमारे ऊपर, हमारे जैसे लोगों के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन संघर्ष पार्टी का है और मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारे ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी पार्टी से जुड़ी है कि इस कठिन समय में मैं पार्टी के साथ न रहूँ। हमारे कुछ लोग तो इस डर से भाग गए हमारे से, कल तक हमारे साथ बैठे थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, और सुबह देखता हूँ तो ये सब जिसका नाम लिया एजेंसीज के डर से भाग गए। लेकिन हम नहीं डरने वाले, हम पार्टी के साथ डट के खड़े हैं। जांच चल रही है, आपको नहीं लगता कि आपको अरेस्ट कर लेंगे? करने दो, आप तैयार है अरेस्ट होने के? अगर कोई चाहता है मुझे अरेस्ट होने से पार्टी टूट जाएगी तो भ्रम में है, मेरी पार्टी और मजबूत होगी। पूरे महाराष्ट्र को मालूम है क्या खेल चल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।